सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी AYC के चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी AYC। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया के माइक की, जो मैंने परचेस कर लिया है। हालांकि मैं दूसरा माइक यूज़ करता था अपनी वीडियो को बनाने के लिए, आज फाइनली मैंने बोया का माइक परचेस कर लिया है, जो कि मैंने अमेज़ोन से परचेस किया है। यह जो मैंने पहले वाला भी जो माइक परचेस किया था, वो भी अमेज़ोन से परचेस कर लिया था। करीबन 300 रुपये का माइक था वो मेरे पास, जो जिससे अभी भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो आप साउंड क्वालिटी इसकी सुन सकते हो। हालांकि यह आज मैंने बोया का माइक परचेस कर लिया है, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और साउंड क्वालिटी भी हम इसकी बताएंगे। आने वाले टाइमों में आपको साउंड क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट दिखेगी हमारी वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, प्लीज़ नीचे रेड बटन बजा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, अमेज़ॉन का जो पैक है इस तरह से, जो मैंने अमेज़ॉन से पार्सल मंगाया था, जो कि है बोया का माइक। चलो इस बॉक्स इस पैकेट को खोलते हैं। देखो, खोलते ही आपको एक बोया का माइक देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको बिल भी देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे पड़ा है करीबन 900 रुपये का, जो मुझे पड़ा है बोया का माइक अमेज़ॉन से, जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। पहले भी अपना जो माइक मंगवाया था वो भी अमेज़ॉन से मंगवाया था, जो कि मुझे 300 रुपये का पड़ा था। ये हालांकि मुझे 900 रुपये का पड़ा है, पर इसकी अमेज़ॉन से जो मुझे कंपनी है। चलो देखते हैं, अब इसको भी रखते हैं साइड पर और चलते हैं अपने बॉक्स की तरफ। आपको बोया का माइक का बॉक्स आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है, जहाँ पर लिखा है बोया MI1। और साथ ही साथ आपको साइड की तरफ बात करें, आपको थोड़ी सी डिटेल और दी जाती है बोया के माइक की तरफ, जहाँ पर बोया के माइक की डिटेल लिखी जाती है। और पीछे की बात करें, आपको बोया के माइक की और स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, जो कि लिखा है जो आप कैमरे के साथ भी इसको अटैच कर सकते हो, DSLR के भी साथ कनेक्ट कर सकते हो, और PC के साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। जो इसकी तार है, मतलब कि केबल है, वो करीबन 20 मीटर की आपको देखने को मिल जाती है इस बॉक्स के अंदर। चलो हम इस बॉक्स को भी ओपन करते देखते हैं, इसमें आपको और क्या देखने को मिल जाता है। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले आपको बॉक्स पढ़ के थोड़ा सा, सबसे पहले आपको एक ऑडियो जैक और देखने को मिल जाता है, जो कि आप बड़े स्पीकर के साथ लगाकर अपनी वॉइस को कनेक्ट कर सकते हो। इसको भी रखते हैं हम साइड पर। इसमें आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, और चलते हैं और क्या आपको देखने को मिल जाता है। और हमको एक बोया का पैक देखने को मिल जाता है, जिसमें हमारा होगा बोया का माइक, जो कि बैक में भी लिखा है बोया। तो इसको भी रखते हैं साइड पर और देखते हैं अंदर आपको और क्या मिल जाती है। एक आपको एक बोया की मैनुअल देखने को मिल जाती है, जो आपको समझाती है आपको बोया का माइक किस तरह से यूज़ करना चाहिए। मैनुअल गाइड है बोया की, हम इसको भी रखते हैं साइड पर और चलते हैं बॉक्स के अंदर, हमको और क्या देखने को मिल जाता है। बॉक्स के अंदर हमको एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है बोया की तरफ से, और एक पैकेट देखने को मिल जाता है, जो कि हर माइक मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ होता है, यह एक वारंटी कार्ड। इसको भी रखते हैं साइड पर और चलते हैं अपने बोया के माइक की तरफ। हम इसको खोलते हैं, खोलने के बाद आपको बोया का माइक बहुत अच्छे से पैकिंग किया है बोया का। ये पैकिंग करने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है, जो कि बोया का माइक है। करीबन 20 मीटर लंबी तारे के साथ बोया का माइक आपको देखने के लिए आता है, जो कि कवर भी है, आपको सेफ्टी के लिए कवर भी देखने को मिल जाता है। ये आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है, जिसमें आप DSLR से भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कनेक्ट करके अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। और आपको ये बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आप अपनी बैटरी लगा सकते हो। और आपको कैमरे का मोड भी देखने को मिल जाता है, और स्मार्टफोन का भी मोड देखने को मिल जाता है, जो कि बटन लगा हुआ। अगर आप कैमरे में शूट करते हैं, आप कैमरे का मोड अपना दीजिए। अगर फ़ोन से यूज़ करते हैं, आप फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको खोलने के बाद आपको इसमें बैटरी देखने को मिलती है, इसमें आप बैटरी लगा सकते हो अलग से, हालांकि मैंने पहले से बैटरी लगा कर रखा है। और हम इसको बंद कर देते हैं और अभी चलते हैं आगे। इसके में आपको एक आगे माइक देखने को मिल जाता है, और आपको एक चुंडी
जिसको हम बोलते हैं, आप किसी भी टी शर्ट में लगाकर अपने साउंड क्वालिटी को रिकॉर्ड कर सकते हो और आपको 20 मीटर की तार देखने को मिल जाती है। बस इतना ही था बोया की माइक की अनबॉक्सिंग। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ये मैं नॉर्मली 300 रुपये के माइक के साथ यूज़ कर रहा था, और मैं अभी टेस्टिंग करके देखते हैं बोया का माइक के आपको साउंड कैसे दिखाई, मतलब कि सुनाई देता है। चलिए अब हम बोया का माइक यूज़ करते हैं। जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये बोया के माइक के साथ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो आप सुन नहीं सकते हैं साउंड क्वालिटी कितना कितना फ़र्क है। 300 का जो मार्केट में है, जो नॉर्मली अमेजोन से मैंने मंगाया था, कोई भी कंपनी का नाम नहीं था, पर यह बोया का माइक है जो करीबन मुझे 900 रुपये का पड़ा है अमेजोन से। अगर आपको भी परचेस करना है तो प्लीज़ नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा अमेजोन का, उसमें आप परचेस कर सकते हो और आप ये भी सुन सकते हो पहले साउंड क्वालिटी के बजाय इस साउंड क्वालिटी में कितना डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो प्लीज़ नीचे रेड बटन बजाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।